नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सिवनी नवागत थाना प्रभारी के द्वारा साइबर क्राइम आदि की दी जानकारी। महिलाओं और बालिकाओं संबंधी अपराध, गुड टच, बैड टच एवं यातायात के नियमों के बारे में दी जानकारी। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम गोपालगंज के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवागत थाना प्रभारी किशोर चंद्र सिरामे द्वारा छात्र छात्रों को भयमुक्त, अपराध मुक्त, सुरक्षित, सामाजिक जागरूक वातावरण निर्माण की दिशा में समाज में अशिक्षा, असंवेदनशीलता, नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता आदि बुराइयों रूपी चक्रव्यूह को भेदने की दिशा में साइबर क्राइम, गुड टच, बैड टच, महिलाओं संबंधी अपराधों सहित यातायात के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई और छात्र छात्राओं से सवाल जवाब किया गया। सही जवाब देने वाले छात्र छात्राओं को इनाम स्वरूप पेन कापी दी गई। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती अंजलि मैकेंजी, सरपंच हरिशंकर साहू, उप निरीक्षक मंजू राहन दाले, सहायक उप निरीक्षक बी एल देहरिया, ASI नानकरमपाल, प्रधान आरक्षक राजेश मात्रे, रमेश प्रजापति, महिला आरक्षक प्रियंका देशमुख, आरक्षक राजेंद्र गोविंद भीमसेन की उपस्थिति में हाट बाजार की व्यवस्था के साथ ही लखनवाड़ा थाना पुलिस ने दल बल के साथ पैदल भ्रमण किया। सिवनी सिटी रिपोर्टर संदीप चौहान की रिपोर्ट। कि हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए वो तो ऑलरेडी उनके पास है भाई। बैंक में हमने खाता खुलवाया तो सारा डाटा है हमारा, तो उनको तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं, पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो ट्रांजेक्शन हो जाता है। फिर पुलिस के पास जब जाते हैं तो पूरी जानकारी बताते नहीं है। हम लोग जब उनको ट्रेक करते हैं तो वो कोई असम का निकल रहा है, कोई बिहार का निकल रहा है, तो कोई सुपुर, तो कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और वो सब पूरे फर्जी अकाउंट वाले रहते हैं। उन लोग क्या करते हैं, अकाउंट हायर करते हैं। मैंने सरपंच साहब का अकाउंट दे दिया कि मैं आपको 5,000 दूंगा, मैं छोड़ देते हैं, आप अपना नंबर बताइए। उस अकाउंट में मैंने ट्रांजेक्शन वहां से जो करवाया इनके अकाउंट में चले गया। थोड़ी देर बाद इनके अकाउंट से मैंने पैसा विड्रा कर लिया। पुलिस पकड़ेगी तो इनको पकड़ेगी, तो ये तो बोलेंगे सरपंच साहब की बोले सर कोई एक व्यक्ति आया था, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताया मुझे, तो इस टाइप का हो गया। इनका दोस्त तो है नहीं, लेकिन ये पुलिस के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सहयोगी तो होंगे, तो हम लोग पे कई जगह नहीं पहुंच पाते हैं। तो कृपया करके आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि किसी भी प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक। दूसरी चीज वही चीजें आती है, प्रलोभन वाली चीजें आती है, वही फोन कॉल के जरिए कि आपको लॉटरी लगी है, गाड़ी फंसी हुई है, या ट्रक है, ये स्कॉर्पियो लगी हुई है, आपका लकी ड्रा, आपका नंबर जो जियो का है बिल्कुल लकी नंबर है, एयरटेल का लकी नंबर है, सारी चीजें वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। इनका जो तरीका अलग होता है, राइट, मतलब ये है कि भद्दे कमेंट्स ये 354 की श्रेणी में आते हैं, ठीक। इन्होंने भी बताया, इनके लिए ताली बजाइए। कई बार ऐसे सेशन लगे होंगे, आप गुड टच बैड टच के बारे में जानते हैं? यस सर।